एक ट्रेन जा रही थी, उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अब उस ट्रेन में 10-12 लड़के चढ़ गए। लड़कों का तो काम ही है शरारत करना। अब लड़कों को शरारत सूझी, चलो कुछ करते हैं। एक ने बोला चलो चैन खींचते हैं। कोई बोला चैन खींचेंगे तो पैसा लगेगा ना फिर, तो सब ने 100-100, 200-200 रुपए दिए, तो टोटल अमाउंट 1200 रुपए इकट्ठा हो गया। अब बूढ़ा इन सभी हरकत को देख रहा था। अब उन लड़कों में से एक लड़का कलाकार था, उसने कहा एक तरीका है, पैसा भी नहीं जाएगा, चैन खींचो, इस बूढ़े आदमी का नाम लगा दो। अब बूढ़ा सुन रहा था। बूढ़ा बोला हमारे को क्यों तकलीफ दे रहे हो भाई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लड़कों ने बोला बड़ा मजा आएगा। अब बूढ़ा गिड़गिड़ाए, हमको माफ़ कर दो बाबू। लड़के ने बोला ना आज तो तुझे मजा चखाएंगे। इतने में किसी ने चैन खींच दी और लड़के खुद ही जाकर स्टेशन ड्राइवर को बुला लाए। अब बूढ़ा मन में सोच रहा था मैं बोलूँगा तो मानेगा कौन, ये तो 10-12 है। अधिकारी ने बोला तूने चैन खींची। बूढ़ा बोला जी हुजूर हमी ने खींची। क्यों खींची, बूढ़े ने कहा मेरे 1200 रुपए इन्होंने छीन लिए, चिंता के मारे मैंने चैन उतार दी। बोला इन्होंने मेरे 1200 रुपए छीन लिए, मैंने चिंता के मारे चैन खींच दी, गिनो इसके पास है कि नहीं 1200 रुपए। पैसे गिने तो 1200। अधिकारी ने कहा महाराज ये लो आपके पैसे। अगले स्टेशन पर लड़कों को ले जाने लगे। अब बूढ़ा खिड़की पर बैठा था और दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए रे बाबू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन।